जय हिंद दोस्तों। जैसा हम बोलते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। हाँ जी, बहुत बड़ा नुकसान। जेसीओ हवलदार, नायब सूबेदार और सूबेदार को बहुत बड़ा नुकसान। इतने दिनों से धरना प्रदर्शन, इतने दिनों से उम्मीद थी और हमारी उम्मीदों पर पानी फेरा इस सरकार ने। दोस्तों अभी हम मोदी सरकार से गुहार लगाएंगे और करेंगे इसके ऊपर पुनर्विचार की मांग। और ऐसा अब अफसर लेवल पर, बड़े अधिकारियों लेवल पर भी ये माना जा रहा है कि पेंशन रिवीजन यानी ORP 2 के नाम पर हम रोडों पर घूमे, सुप्रीम कोर्ट में गए, आखिर जिनके लिए था उन्हें कुछ नहीं मिला। आइए हम बात करते उन आंकड़ों की, उन तथ्यों की कि आखिर इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी हुई हैं और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। दोस्तों बिल्कुल आपको मैं एक एक चीज क्लियर बताऊंगा, आपको ये समझ में आएगा आखिर हवलदार की इतनी बड़ी अनदेखी क्यों, नायब सूबेदार क्या करेगा, सूबेदार क्या करेगा, सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप देखिए, सबसे पहले आपने टेबल नंबर 7, आप हमेशा ये है मेन, दो टेबल है, इनके ही से जो मैंने आंकड़े निकाले वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले मैं हवलदार की बात करूं, हवलदार को इन्होंने 24 साल वाले को 22,275 डाला है। और यदि आप देखें सर्विस किसी को 19 है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यानी एक हवलदार 26 साल तक कर सकता है। और कितना कितना अंतर है ये आप देख के हैरान हो जाओगे। यानी इन्होंने डाला है 22,007, फिर 22,124 और 22,257, 257, 257, मतलब वहीं 22,000 के आसपास इन्होंने हवलदार को रखा है, चाहे यार 26 साल सर्विस करके आओ। बड़े दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। एक आर्मी का, एक इंडियन आर्मी का पिवट रैंक है, पिवट है हवलदार, चाहे वो हाथ से काम करना हो, चाहे किसी भी प्रकार का काम करना हो, चाहे चार्ज की बात हो, बिना हवलदार के ना तो जेसीयू रेस्ट कर सकता और अफसर तो अपने घरों में रह नहीं सकते। मैं कह रहा हूं आज जो भी सेना की दमखम है, एनसीओ में जो बहुत अच्छे एनसीओ होते हैं, हम बोलते हैं हमारे यूनिट चलाने के लिए एनसीओ है, जो कि 24 घंटे काम करते हैं, सुपरविजन करते हैं, उस बंदे की इतनी अनदेखी, इनको कैरियर मिलेगा, कख नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा तो पहले ही लोग ले रहे हैं। अब आते हैं हम नायब सूबेदार की बात करते हैं। नायब सूबेदार को उन्होंने रखा है, आप समझिए, 24,825, यानी वो जो 24 साल नौकरी करता है, 26 करता है तो 26,075। अब ये जो आंकड़े हैं 28 साल करके नायब सूबेदार आ रहा है, 26 करके आ रहा है, ये ऑलरेडी उससे ज्यादा ले रहा है। कल हमारे पास आ रहा था, हमारा टेबल देखो, अब मैं टेबल पर लगा के हाईलाइट परेशान हूं, इसके लगा के देखता हूं, भाई मेरी भी आंखें इतनी अच्छी नहीं है, फिर ये बोलता साहब इससे तो ज्यादा मैं ले रहा हूं, अब मैं क्या करूं। हमें कोई नहीं, शांति से बैठो, और क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर क्या होने वाला है वो अंत में मैं बताऊंगा। अभी मैं बात करूंगा सूबेदार साहब की। अब सूबेदार साहब हैं, अब उनकी जो 28 साल सर्विस करते हैं, उनको बेचारे को 29,700 मिल रहा है, और जब पूरी सर्विस वो 30 साल करते हैं तो उनको 31,000 मिल रहा है, और इससे ज्यादा ऑलरेडी ले रहे हैं या इसके आसपास ले रहे हैं। लेकिन फायदे वाली बात हो, फिर फायदा कितना होगा, फिर एरियर कितना मिलेगा, आप समझ सकते हो कि इससे ऑलरेडी ज्यादा आप ले रहे हो तो कौन सा फायदा आपको होने वाला है। अब बात करते हैं सूबेदार मेजर की। अब सूबेदार मेजर को मैं बोलूं, 30 साल का सूबेदार मेजर है, 30 साल करके आता है, 28 बन जाता है, 30 साल से ज्यादा ही करते हैं, तो उनको 31,625, और अमूमन जो सूबेदार मेजर है 30 से ज्यादा, 32, 33, 34 करके आते हैं, 33,400। तो इनका भी कहां इतना बड़ा, कहीं कोई छलांग नहीं है। यानी आपने देखा होगा नायक में थोड़ा संशोधन है, सिपाही है, हवलदार को फायदा नहीं, नायब सूबेदार को फायदा नहीं, सूबेदार को फायदा नहीं, सूबेदार मेजर को फायदा नहीं, और जो पुराने हैं, जो ऑनरी लेफ्टिनेंट है, कैप्टन, उनको फायदा नहीं, जो नए लेफ्टिनेंट कैप्टन है, हाँ उनको फायदा हुआ है, ताकि वो पुरानों के साथ जोड़ दिए, पहली बार एक समझदारी वाला काम आया। लेकिन बाकियों का इस पे रिवीजन का क्या मतलब है, शायद ये पे रिवीजन नहीं है, ये वन रैंक वन पेंशन है, इसको हिला झुला के मर्ज करने की कोशिश की है। और जो भी रेफरेंसेस इसमें दिए हैं, जो भी इन्होंने बहुत सारी चीजें इसमें लिखी है, इससे नहीं लगता इस तरीके का पेंशन रिवीजन आगे भी होगा तो किसी को कोई ना कोई कोई फायदा हो। दोस्तों और इसके साथ जो भी मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, मैं टेबल नंबर 7 से भी बाहर नहीं आया हूं, और पीछे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप ये इंडेक्स नंबर, पेज नंबर 9, 10, 11 को देखो,
और जो भी टीए के लोग हैं और जो दूसरी ऑनरी फैमिली पेंशन है, एनहेंस फैमिली पेंशन है, स्पेशल फैमिली पेंशन है, उनकी टेबल उसमें दी हुई है। और जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ेगी हम आपके साथ इस जानकारी को शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।